वहीं बालौदा बाजार के सिमगा क्षेत्र में भाजपा नेता के बेटे को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया है। भाजपा नेता के बेटे के साथ 24 जुआरियों पर पुलिस ने भी कार्रवाई की है। वहीं कार्रवाई में 10,87,000 रुपए भी जब्त किया गया है। पूरा मामला बालौदा बाजार जिला के सिमगा थाने क्षेत्र का है। अब पुलिस जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए बालौदा बाजार से जुड़े हैं जयप्रकाश साहू। जयप्रकाश, भाजपा नेता के घर पर पुलिस का छापा पड़ा है, पूरा मामला क्या है? जी, आपको बता दूं, बालौदा बाजार जिले के सिमगा थाना अंतर्गत सिमगा पे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ था कि बहुत काफी जनसंख्या में जगह था भाजपा नेता के यहाँ, जिसके यहाँ जुआ चल रहा है। और जानकारी के मुताबिक, आपको बता दूं, ये जुआ काफी लंबे समय से चल रहा था और मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी मंजूनाथ राठौर के द्वारा दबिश दी गई। जिसमें आपको बता दूं, जुआ में लगभग 24 लोग पकड़ाए, जिसमें न सिर्फ कई नेता थे, जिसमें कई व्यापारी वर्ग के लोग थे जो जुआ खेल रहे थे। उनको जुआरियों से लगभग 10,84,000 रुपए के आसपास बरामद की गई है। बिल्कुल जयप्रकाश, तो आप पुलिस की कार्रवाई क्या है इस पर? जी, आपको बता दूं, पुलिस की कार्रवाई के रूप में अगर बात करें तो सभी आरोपियों को अभी फिलहाल थाने पे गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पिताजी के प्रति मामला संजीवन करते हुए मामले न्यायालय में प्रकरण। जी जयप्रकाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।